गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। मैं निधि सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ यूपीएससी अड्डा 24/7 पे। ये हमारा मॉर्निंग 9 AM का क्लास होता है। इसमें मैक्सिमम आर्ट एंड कल्चर और कभी हम एनसीईआरटी भी डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा टर्न है एनसीईआरटी का। काफ़ी दिनों बाद डिस्कस करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए एनसीईआरटी के लिए। हम 7th क्लास का ये बुक है हिस्ट्री का, बिकॉज ठीक है हिस्ट्री इज माई सब्जेक्ट, हिस्ट्री का है। देन उसके बाद इसमें चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे द दिल्ली सुल्तान। सुल्तान से हमें क्या याद आया, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, हम ये काफी कुछ डिस्कस कर चुके थे, पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए मुझे। कौन कौन है? कुमार, मनीष जी बहुत दिनों बाद आप आते हैं। और कहाँ रहते हैं आप बताइए? कुछ नहीं मैम, है कोई अच्छा क्या हुआ कुमार, क्या हुआ? अच्छा चलिए जी। तो कुमार जी रेगुलर आइए ना क्लासेस में, कैसे हैं? ये क्या लिख रहे हैं आप, नहीं आ रही है मैम वॉइस, नहीं आ रही है वॉइस? तो आ रही है वॉइस, तो यहाँ से एकदम ठीक है वॉइस, तो ठीक है यहाँ पे वॉइस जा रही है, वॉइस आ ही रही है। क्या हो रहा है बताइए, वॉइस नहीं आ रही है, आ तो रही है वॉइस? क्या हो रहा है बताइए, सब एकदम क्लियर वॉइस है, एकदम क्लियर है? पीयू थोड़ा सा इंतजार किया करो, थोड़ा देखा करो। थोड़ा सा देखा करो, वेट किया करो। मैम ज्वाइनिंग में बिजी रहे बहुत दिनों से, ज्वाइनिंग में। अच्छा कौन सा ज्वाइनिंग कुमार जी बताइए? बताइए कौन सा ज्वाइन, कहाँ पे ज्वाइन किया है? है ना, आ रही है वॉइस एकदम ठीक आ रही है वॉइस? मैं वही चेक ही कर रही हूँ, मेरा वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। लेट मी शेयर इट। ठीक है शेयर कर दिया पीयू जी, अब ठीक है ना? थोड़ा सा एक दो मिनट का वेट किया कीजिए, ये थोड़ा मतलब इतना ज्यादा जल्दी पैनिक होना नहीं चाहिए। इतनी जल्दी बड़ी उपाधि, अरे नहीं नहीं स्लाइड हेडिंग, अच्छा चलिए जी। तो इसे ये क्या बात, दिल्ली सुल्तान, अच्छा जी दिल्ली के सुल्तान ये खुद को समझ रहे हैं। अमरीश जी आ गए हैं अपनी कश्तियां बना के और कश्तियां लेके साथ में उसमें बैठ के। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बातें कुछ इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ पे कीवर्ड्स मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था, कीवर्ड्स इन चैप्टर में मिस मत करना, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में ढेरों कीवर्ड्स है। आप प्लीज अपने पास एक कॉपी और अपना पेन लेकर बैठिए, मैं आपको बताती रहूंगी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया था कि दिल्ली में सुल्तान से पहले, सल्तनत से पहले क्या रूल था, दिल्ली में रूल था तोमर्स का और चौहान का। ठीक है, तोमर और चौहान दो कम्युनिटी थी, दो कौन सी थी, जो जिनको हम जो आपके राजपूत थे, दोनों राजपूत थे। ठीक है, तो राजपूत कम्युनिटी ये होती थी, इसमें इनको देलीवाल हम बोलते थे। जो कॉइन्स यहाँ पे आप पब्लिश करते थे, जो कॉइन यहाँ पे मिंट किए जाते थे, मतलब कॉइन्स बनाए जाते थे यहाँ पे, प्रोडक्शन जिनका होता था, उनको हम देलीवाल बोलते थे, देलीवाल। ठीक है, तो देहली, पहले दिल्ली को देहली बोलते थे, हिंदी में इसको देहली बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे, और दिल्ली का निर्माण सिर्फ एक जो आज हम दिल्ली देखते हैं वो दिल्ली नहीं थी, दिल्ली का निर्माण कई शहरों को मिला के हुआ, छोटे छोटे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तुगलकाबाद, आदिलाबाद, इसके साथ साथ जहांपना, सीरी, और इसके साथ साथ दिल्ली और दिल्ली एक कुन्हा। ठीक है, दिल्ली एक कुन्हा, ये जो शहर है इनको मिला के यहाँ पे दिल्ली का निर्माण हुआ है। समझ आ गया? इसके बाद बाकी जो चीजें होंगी मैं आपको बताती हूँ। रूलर्स ऑफ दिल्ली ये हमने डिस्कस कर लिया था, आपका जो जिद मैंने आपको एक जो आपको ट्रिक भी बता दी थी कि स्लेव डायनेस्टी, ये आपका जो जो आपका गुलाम वंश हो जाएगा, इसके बाद खलजी डायनेस्टी, फिर आपका तुगलक डायनेस्टी, इसके बाद आपका जो है सैयद डायनेस्टी, फिर आपका लोधी डायनेस्टी। और तुगलक डायनेस्टी को क्यों बोलते हैं, तुगलक ही फरमान से क्यों जाना जाता है, और सर गुलाम वंश को क्यों बोला जाता है कि गुलाम है, गुलामी से निकला था, और क्या रीजन था कि खलजी जो है सबसे सुपीरियर यहाँ पे बन गए और बाकी सब अपने पुराने
उन्होंने रूलर्स को यहाँ पे हटा दिया, तो क्या रीजन था, ये सब जानने के लिए हम ये चैप्टर आज पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है, ये सब कुछ सवालों के आपके जवाब यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब रूलर्स हम देख चुके थे, किस तरीके से किताबें लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी, ठीक है, ये सब यहाँ पर हम देख लिया हमने। अब हम देखते हैं, सीधा हम चलते हैं कि एक जो रजिया सुल्तान कोई मुझे बताएगा कि कौन सी डायनेस्टी से थी, जो कौन सी डायनेस्टी से आती थी, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ये आती थी स्लेव डायनेस्टी से, गुलाम वंश की पहली, गुलाम वंश की या उसके बाद वाली कोई भी और रूलर नहीं आया जिनमें कोई एक फीमेल ने लीड किया, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे राइटर ने दिए हैं बहुत बढ़िया से निकाल के, इनमें से मिन्हाज सिराज, ये क्वींस रूल, एक मिन्हाज सिराज एक ऑथर हो जाएंगे, उन्होंने रजिया के रूल के बारे में क्या सोचते हैं, रजिया सुल्तान जिनकी लगभग 4 साल तक 1236 से 1240, ठीक है, ये इन्होंने रूल किया था। तो सिर्फ इतने साल तक इन्होंने रूल किया, तो यहाँ पे उनके रूल में इनको क्या लगा कि क्या इनको जो एक फीमेल ने रूल किया तो इसके बारे में क्या उनके विचार थे। देखो ये क्रिएटेड बाय गॉड, इनको लगता है कि जो जो राजा का जो पोस्ट होता था ना पुराने जमाने में, लोगों को लगता था कि ये यहाँ पर जो है भगवान की बनाई हुई एक पोस्ट होती है, इस पोस्ट पे जो भगवान ने सोच लिया वही होगा। तो यहाँ पे रजिया को भी वही जगह मिली, ठीक है, क्योंकि भगवान ने उसको भेजा था ऐसे करने के लिए। इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, भगवान ने जो रजिस्टर बना के रखा है क्रिएशन का, उसमें सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज, मतलब आदमी ना होने के बावजूद भी उन्हें इतनी एक्सीलेंट क्वालिटी कैसे आ जाती है, कि कैसे आ गई, जैसे उनको सब कुछ हर एक हुनर में वो पावन थी, जैसे उनको तलवारबाजी हुई, घुड़सवारी हुई, युद्ध में लड़ना हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक राजा बनने के लिए तो यही चीजें जरूरी होती है ना, कि आप कितने मस्कुलर हो और कितने ज्यादा आप में जो दिमाग में आपके स्ट्रेंथ है, कि आप कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, सोच सकते हो, अच्छे निर्णय ले सकते हो। यहाँ पे इसके अलावा, रजिया के अलावा भी हमने दो यहाँ पर जो और एग्जाम्पल मिले हैं, एक तो हो गया रुद्रम देवी ने तो क्या किया था, ये रुद्रम देवी वही का कहतिया है जिसका आज मैंने सुबह आपको टेंपल पढ़ाया था। कौन सा टेंपल था, नाम बता दो सबके सब, भूला नहीं है, टेंपल का नाम क्या था, सुबह मैंने पढ़ाया था, कल भी पढ़ाया था, कौन सा टेंपल है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का लिस्ट में नंबर मिला है, बताइए कौन सा है, बताइए सुरभि जल्दी से बताओ। स्लेव वॉज टोटली डिपेंड ऑन दियर मास्टर, हाँ ठीक है ठीक है, इनका मास्टर कौन था, स्लेव डायनेस्टी का मास्टर कौन हो जाएगा, कैथल में रजिया की, बिल्कुल सही, वहां पे इसका छोटा सा बहुत ही बुरा हालत में मकबरा भी है, ठीक है, कैथल में, बताइए अमरीश जी कुछ विचार देना चाहते हैं अपने। मिन्हाज सिराज तबाकत नासिरी और रामप्पा, बिल्कुल सही कहा, रामप्पा, राम टेंपल नहीं नुसरत, देखो मैंने सुबह ही पढ़ाया था फिर भी आप कंप्लीट नाम नहीं उसका याद रख पाए, इट्स रामप्पा टेंपल, ठीक है, रामप्पा टेंपल है, तेलंगाना में है, ठीक है, और इसको याद रखना 39th आपकी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। यहीं पे इसी ककैतिया डायनेस्टी में जिसमें ये बना, उसी ककैतिया डायनेस्टी की एक रानी हुआ करती थी रुद्रम देवी। तो रुद्रम देवी ने क्या किया था, अपना जो है अपने आप को इंस्क्रिप्शन में जो शिलालेख लिखवाते हैं ना राजा अपने बारे में, जैसे देव नाम पी है अशोका ने लिखवाया था, ऐसे ही जब रुद्रम देवी ने अपना नाम का शिलालेख लिखवाया स्टूडेंट्स, तो उसने बोला कि मैं आदमी हूँ, मैं मेन हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा जरूरी होता था रूलर बनने के लिए आदमी होना, मतलब रूलर बनने के लिए मेल होना, तो मेल अपने आप को बनाने के लिए रानियां ये इस तरीके से जो उतावली होती थी, इतनी इस तरीके से, मतलब इन लोगों को मन में ये इनका ड्रीम था कि काश हम मेल के रूप में जन्म लिए होते। तो रुद्रम देवी ने तो खुद को यहाँ पर अपने आप को मेन ही डिक्लेयर कर दिया अपने इंस्क्रिप्शन ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये एक फैक्ट है, ये आपका यूपीएससी प्रिलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी चीजें स्टूडेंट जो बॉक्स वाली चीज होती है ना, हम ध्यान भी नहीं देते, और कई बार यही चीजें घुमा फिरा के आपसे पूछ ली जाती है कि देखो सिर्फ आपकी जो है रजिया सुल्तान ही आपकी जो है फीमेल रूलर थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कोई नहीं था, तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, आप देखो जी रुद्रम देवी का एग्जाम्पल दे दिया। इसके बाद एक और आता है एग्जाम्पल दिद्दा का। दिद्दा का मतलब होता है, वैसे तो जो आप दीदी बोल दे ना, ममता दीदी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दिद्दा मतलब होता है दीदी इन कश्मीरी लैंग्वेज, राइट। तो कश्मीरी में इसको ये भी एक क्वीन थी दिद्दा, इसने भी इनको बोला है कि यहाँ पर एल्डर सिस्टर,
affectionate term given to a loved ruler by her subjects. By her subjects मतलब वो जो जनता होती है वो प्यार से अपने रूलर को क्या बोल देती है, दिद्दा बोल देती है, गुरु बोल देती है, या मास्टर बोल देती है, जो भी उनको बोलना है कि वो प्यार से उसको बोल, जैसे ममता दीदी है, क्या है ये दीदी, थोड़ी दुनिया की थोड़ी दीदी है, पर लोग इनको प्यार से बोलते हैं, इनका मतलब इनके साथ लगाव महसूस करते हैं, ठीक है, इस वजह से. अंशु जी बिल्कुल सही में भी. अंशु बहुत दिनों बाद आ पाए, क्या कहाँ गायब है आजकल, आजकल क्लास में नहीं आते, क्या बात है. इसके बाद यहाँ पे मिन्हाज उस सराज के आपने विचार देख लिए. अब हम देखते हैं गैरिसन टाउन टू द एम्पायर. गैरिसन टाउन क्या होता है, ये होता है छावनी, छावनी बोलते हैं ना जिसको हिंदी में, जो जहाँ पे आपका मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स रखे रहते हैं, वहां पे जो सैनिक है वो तैनात रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो जगह को हम क्या बोलते हैं, वो छावनी होती है, गैरिसन टाउन होता है. तो यहाँ पे जो राजा थे, सल्तनत के जो सुल्तान थे, वो दिल्ली में किस तरीके से अपना गैरिसन मेंटेन रखते थे, दैट वॉज द मेन क्वेश्चन. अब इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक है. उससे पहले कवाली मंच नीर, प्रखर को मैंने दिखाया कि सुबह सुबह किसका जो है, एक तरह से सुबह को सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट कर, वैसे तो इसका बोलता है मैम मेरा तो आज उपवास है. चलो प्रखर कैसा लगा ब्रेकफास्ट. दिद्दा मूवी आल्सो रिलीजिंग ऑन लीड रोल भारत की बेटी. अच्छा रियली, अच्छा जी ऐसा कुछ है. डोंट वरी मैम, एक भी टर्म मिस नहीं होगा, एक भी टर्म मिस नहीं होगा. ओके ये थॉट है हर लड़की के दिल में आता है, एटलीस्ट एक बार काश में लड़का होती. बिकॉज सोसाइटी ने इस तरीके से स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया ना, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना आपके हाथ में कुछ था, ना आपके पेरेंट्स के हाथ में कुछ था कि हमें तो लड़का लड़का ही पैदा करेंगे, ठीक है हम करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. ये सब नेचुरल है, ये सब नेचर है, नेचर से आप कभी ऊपर जा ही नहीं सकते. दिस इज नेचर, राइट. ये नेचर से ऊपर कभी नहीं जा सकते. आप सोसाइटी से लड़ रहे हैं कि काश मैं लड़का होती तो मुझे वो बेनिफिट्स मिलते जो लड़के को मिल रहे हैं, राइट. और ये ऐसी बात नहीं है, लड़कियों के भी कई बार देखो, लड़की होने के बहुत सारे फायदे भी हैं, लड़की होने के नुकसान भी हैं, लड़का होने के इन द सेम वे नुकसान भी है फायदे भी हैं. कहीं भी जाइए सबसे पहले लड़की को ही पूछते हैं जी, ठीक है. ये बहुत एक अच्छी बात है, लड़कियों को ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा अटेंशन मिलता है, ज्यादा उनको रिस्पेक्ट भी मिलता है, ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लड़कियों को ज्यादा मिलती है. गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग, है ना. ट्यूजडे बजरंग बली का, अच्छा 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 ऐसा है क्या. अच्छा आप लोग कौन कौन फास्ट रखता है, कौन कौन लोग फास्ट रखता है, कौन कौन लोग यहाँ पर जो है ऑर्थोडॉक्स है. कौन कौन लोग यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स है, मुझे बता दी दो आज, आज आप लोग बता दो. आज हम अभी अभी हम बात भी करेंगे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है इस चैप्टर में जो है कि आप किस तरीके से जो फॉलो करते हैं रिलीजन, तो रिलीजन की बात भी हम करेंगे. कौन कौन लोग यहाँ पे हाईली रिलीजियस है, मतलब सुबह भगवान, रात को भगवान, और मतलब हर वक्त सामने भगवान, गले में भगवान, हाथ में भगवान, चारों तरफ भगवान होना चाहिए जिसके. कौन कौन है यहाँ पे हाईली रिलीजियस पर्सन बताओ मुझे. अंशु प्रखर तो पता चल गया हमें, ठीक है. वैसे ही सबका पर्सनल मानना होता है, इसमें किसी का कोई दो राय नहीं, कि आपका जो मन करे आप करें, जिस फेथ में आपका मन हो आप फेथ माने, जैसे आपका मन करे वैसे आप फॉलो करें. हम तो यहाँ पे जस्ट एक हल्का डिस्कशन करने के लिए मैं पूछ रही हूँ. वॉलेट लड़कियों के पास, क्या बात है. अच्छा लड़कियों के पास छोटा वॉलेट होता है, लड़कियों के पास बड़ा बैग होता है, क्या बात, क्या बात. और बट वो बड़ा बैग होने के बाद भी कोई फायदा नहीं, खर्च तो आप ही लोग को करना पड़ता है, खर्च तो अगर साथ में हो तो आपको ही करना पड़ता है. एथीस्ट कंप्लीटली, कंप्लीटली, कंप्लीटली ना. तो फिर कौन सा उपवास जी, कई साल हो गए पूजा की. अरे बाबा ये अंशु इस तरह से बातें करती है ना, लग रहा है किसी दूसरे ग्रह से ना हो ये लड़की. कल रखा था मैंने फास्ट मंडे का, भगवान वाला सीन तो नहीं लेकिन फास्ट रख लेते हैं. मैंने हार्डली हार्डली अपनी लाइफ में कभी फास्टिंग किया है. मैं दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, आखिरी दिन कयामत का दिन आ जाए, मैं भूखा नहीं रह सकती. शहनाज जी भूखे रह सकते हैं आप, मैं भूखा नहीं रह सकती, मैं मुझसे रहा ही नहीं जाता. हाँ जी हमें, मैंने कभी कोई फास्ट नहीं रखा, कभी हार्डली. मैं कभी टेम्पल या ये सब ये कभी किया है, हाँ कभी घूमने फिरने के लिए चलता है. फास्ट के नाम पर भूख ज्यादा लगती है पता नहीं, बट मेरे से मुझसे नहीं होता है ये फास्टिंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुझसे नहीं होता है ये. खुद की भूख पर कंट्रोल बहुत बड़ा बात, मुझे ऐसा लगता है नहीं, पता नहीं इंसान कैसे कर लेता है ये, मुझे बड़ा ये अजीब लगता है.
जो कोई फास्ट रखता है तो ठीक है शहनाज। चलिए तो इसके बाद बात करें, वापस टॉपिक पे आते हैं, गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन मैंने बता दिया। अब यहाँ पे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या क्या होता था, दो टर्म्स दिए गए हैं स्टूडेंट, दोनों टर्म लिखो अपनी कॉपी में। गैरिसन टाउन मैंने बता दिया, एक हिंटरलैंड मैं बताने जा रही हूँ। देखो हिंटरलैंड होता है एक तरह से गोदाम, गोदाम होता है कि आप देखो पोर्ट से जा रहे हैं, आप किसी बंदरगाह से अपना शिप भेज रहे हैं या किसी मेन रोड से अपना शिप भेज रहे हैं, वो हिंटरलैंड वो जगह होती है जहां से वो सब सामान उसमें लादने के लिए आएगा, तो एक तरह से गोदाम हम इसको बोल देंगे। एक होता है आपका यहाँ पर गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन एक ऐसा चार दीवारी बहुत स्ट्रांग तरीके से बना दी जाती है, जैसे किलों में आपने सुना है ना कि चार दीवारी बना देते हैं, है ना, उसी तरीके से आपका यहाँ पर छावनी के लिए, कि आपके सैनिकों की प्रैक्टिस के लिए, काम के लिए वहां पे चार दीवारी बना दी जाती है। एक और बात याद रखना, अच्छा ये देखो अमरीश जो मैं छेड़ रहे हैं, मैं छेड़ूंगी तो अमरीश जी मैं आपका फिर पूरा हैंडीक्राफ्ट बाहर निकाल लेंगे, देख लेना। कल कौन कौन व्रत किया था? आत्मनिर्भर, अरे बाबा क्या कमेंट कर दे आप लोग। इसके बाद फिर क्या होता है, अब क्लास को लाइक भी कर दो ये भी बोलना पड़ेगा क्या, पानी भी नहीं पी सकते शहनाज जी? हाँ अब रोजा रखते हैं ना तो, नहीं रोजे में तो इफ्तारी होता है भाई, क्या बात कर, रोजे तो, रोजे से अच्छा कोई समय होता ही नहीं है, रोजे तो बोलो हम तो हम भी रख ले, उसमें तो एक समय प्रॉपर खाना होता है ना, रोजे तो प्रॉपर एकदम बढ़िया सबसे सुंदर चीज है इस दुनिया की। रोजे रखो खाना भी खाओ, मतलब भूखे रहो खाना भी खाओ एक अच्छे तरीके से, मतलब नॉर्मल आप इतना अच्छा खाना नहीं खाएंगे जितना रोजे के टाइम खाते हैं, तो ये तो ये फास्टिंग में नहीं गिना जाएगा, ये तो आप ना 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 रहने दीजिए। तो ठीक है, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स मतलब आप किस तरीके से छावनी को कंट्रोल करेंगे। सुल्तान का सबका अपना अपना जगह होता था, अपनी अपनी अलग अलग जगह पे ये वॉर्स के लिए भेजते थे यहाँ के दिल्ली के सुल्तान, जिसमें आपका जो इट्स कंसोलिडेशन अक्कर ड्यूरिंग द रीन ऑफ गियासुद्दीन बलबन, फर्दर एक्सपेंशन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक के टाइम पे मतलब ये सब जो राजा हुए इनके टाइम पे जो गैरिसन टाउन सैनिकों पे इसने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे बात आती है कि कैंपेन्स जो इंटीरियर फ्रंटियर मतलब देश के अंदर ही अंदर आप लोग क्या करेंगे, मोर्चा निकालेंगे एक राज्य से दूसरे राज्य के खिलाफ। उसके लिए क्या चाहिए, अच्छे से आपको अपनी मिलिट्री चाहिए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग आपके पास सैनिक होने चाहिए, आपके पास कैवलरी होनी चाहिए, आपके पास एलिफेंट होने चाहिए, है ना। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य पर अगर हमला करेंगे तो क्या होना चाहिए, आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए मिलिट्री। तो वही काम ये लोग करते थे। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब। युद्ध में हमें क्या क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हंटर गैदरर्स पेस्टोरेंस जो भी रास्ते में आया ना उन सबको वहां से हटना पड़ता था युद्ध की वजह से, कि अब देखो यहाँ पे राजा आ रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, आपको यहाँ से ये जगह खाली करनी पड़ेगी, यहाँ पे जंगल आ रहा है बीच में तो जंगल को भी हम यहाँ पे मोगली को बोल देंगे आप जंगल भी साफ करवा दो, ठीक है, जंगल भी वहां से साफ हो जाते थे, समझ आ गए। तो ये आप बातें याद रखेंगे। इसके अलावा पीजेंट्स है, एग्रीकल्चर है, वो यहाँ पर एनकरेज रहते थे लैंड के लिए एंड ऑल, ये सब जो चीजें हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है, कुछ इतना जरूरी नहीं है। अब देखो ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, मैप में दिखाया गया है दिल्ली से कहाँ कहाँ मोर्चा चलाया गया, युद्ध किया गया लड़ने के लिए। तो देखो ककैतिया डायनेस्टी है इधर, इधर आपका जो है गुजरात में राजपूत है, राजपूतों के खिलाफ देखो कितनी कैंपेन्स हुई हैं। इसके बाद आपका जो है देवगिरी, जो आपका तुगलक ने किया था, ये वही तुगलक वाला है, ठीक है, देवगिरी में आए थे जो अपनी राजधानी बदल के, है ना। फिर आपका यहाँ पर साउथ इंडिया में देख सकते हैं आपका होयसाला, ये जो हो गया द्वारस मुद्रा, यहाँ से आपका जो कैंपेन हुआ तंजावुर में, देवगिरी से फिर जो आपका कैंपेन हुआ होयसाला में, यहाँ पे वारंगल में, और ये कारा से यहाँ पर आपका हुआ 1296 में जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में, ठीक है, बेसिकली वेस्टर्न इंडिया। एक अब धर्म की थोड़ी सी बातें कर ले, अब थोड़ी सी रिलीजन की बातें हो जाएं, बाकी अब युद्ध की बातें हो गई, अब थोड़ा सा रिलीजन की बातें हो जाएं, लास्ट में क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से आपको सुनते जाना है बस, ठीक है। पायल जी, इंटरनल हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन टाउन, मूर्ति पूजा का विरोध, कर्म पर सब छोड़ना पूजा के लिए, कई लोग हैं मतलब, अच्छा जी, बियॉन्ड द हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन लैंड क्या बोलना चाहती हैं आप, बिन मांगे मिल जाती, देखो ये हाँ अमरीश जी तो सबसे खुश इंसान है, बोलते हैं कि मैं तो सबसे खुश हूँ, क्या बात है, ऐसे ऐसे पॉजिटिव लोगों की हमें सख्त जरूरत है, जैसे बारिश के कागज जहाज स्कूल बनाने स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल सही कहा, अब तो पकड़े गए, अब तो इनका मतलब कागज के जहाज, इनकी हैशटैग कागज का जहाज इनका नाम ही रख देती हूँ अमरीश जी, आज से इनको मैं बोलूंगी ही नहीं, कागज का हैंडीक्राफ्ट ये बोल देती हूँ आज से, ठीक है। देखिए अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक ध्यान रखना, आपने कभी दिल्ली का कुतुब मीनार देखा है, मेहरौली,
मेहरौली की लाइट बोला जाता है इसको, पता है मेहरौली की मतलब जो सबसे ऊपर जो चीजें दिखती है ना, लाइट मतलब जो ऊपर से आपको रोशनी दे, तो मेहरौली की लाइट हो जाएगी आपकी कुतुब मीनार का टावर, ठीक है। तो इसको एक समय पे बोला जाता था, दिल्ली में कुछ था ही नहीं, दिल्ली में चारों तरफ खेत खेत थे और सब कुछ क्लियर था, जब यहाँ पे सिर्फ आपका कुतुब मीनार होता था। आजकल तो वहां पे इतना ज्यादा बिल्डिंग्स हो गया, इतना ज्यादा हेविली आपका डेंस वो एरिया हो गया है कि कुतुब मीनार ही छोटा पड़ गया जी, तो अब तो बात ही अलग है, एक समय की बात थी। फिर यहाँ पे देखो दिल्ली, ये कुतुब मीनार का पूरा नक्शा आपको दिखाया गया है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ से आप जाएंगे, दिस इज एंट्रेंस, यहाँ से एंट्रेंस करके या इधर से आप आएंगे, तो इधर से जाते जाते, या तो अगर आपको जाना है इधर इसकी तरफ तो यहाँ मुड़ जाएंगे मेन जो अब मीनार देखने के लिए। फिर यहाँ पे जो जैन टेम्पल्स के रूइंस है ना, ये यहाँ पे बनाए गए हैं, और इसी में एक जो आपका चंद्रगुप्त द सेकंड का पिलर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये है वो चंद्रगुप्त द सेकंड का पिलर। इसके बाद थोड़ा ध्यान से सुन देखते जाना, फिर यहाँ पे रूइंस बचे हुए हैं आपके किसी बड़ी जो आपकी जो यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद के रूइंस मतलब खंडर बचे हुए हैं यहाँ पे आपके, खंडर इल्तुतमिश की कब्र है यहाँ पे, ये कब्र हो सकती है इल्तुतमिश की, यहीं पे अहराम किया था मैंने। यहाँ पर आपका जो है अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा है आपका जो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इंडिया में सबसे पहले जो डोम का एग्जाम्पल है ना वो यहीं से मिलता है, और ये बहुत स्ट्रांग है, आज भी यहाँ पे आप जा सकते हैं देख सकते हैं इसको, आज भी सही सलामत है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोल देंगे, ठीक है। हार्डली 20-50 रुपीज, मुझे याद भी नहीं कितना टिकट लगता है, जरूर जाए। देखो ये सब चीजें तो लाइफ में देख ही डालो, इसमें इनके बिना तो जीवन ही क्या है। कुतुब मीनार नहीं देखा, ताजमहल नहीं देखा आपने, अजंता नहीं देखा, इनके बिना जीवन ही क्या है भारत में रहना है तो, ठीक है। तो ये तो जरूर देख डालो जैसे ही आपका कोरोना खत्म हो, ठीक है। हम तो महाराष्ट्र के बाहर गए ही नहीं, नीरज जी जरूर चले जाइए, चाहे देखो कुछ नहीं लगता है, एक बार प्लान करना है निकल जाना है, बस हमें तो देखना ही है, कुछ नहीं करना है, दिल्ली में जाके प्रखर को बोल देना कि प्रखर मुझे आपके पास स्टे करना है, और फिर यहाँ पे सब देख लेना, कितना इजी है बताओ, ऐसे ही तो दोस्त बनते हैं। इनको बोलो इधर से, प्रखर को बोल दो दिल्ली में मैं आ रहा हूँ, इधर से अमरीश जी को बोल रहा हूँ मैं आगरा आ रहा हूँ, इधर से आप लोग जो हमारे बाकी जो लोग हैं जो अलग अलग जगह से, उनको बोल दो महाराष्ट्र में तो आप है ही, प्रखर को जाना है महाराष्ट्र तो नीरज को बोल देगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही एकदम मतलब बना लो अपना ग्रुप पूरा और निकल जाओ पूरा भारत भ्रमण के लिए, इससे पहले यूपीएससी कराए आप खुद कर लो अपना भारत भ्रमण, फिर पता नहीं कब हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ ही बेस्ट लाइफ होती। अलीशा जी मैम क्लास में पायल दी कुछ ज्यादा ही आवाज कर अरे पायल ने क्या कर दिया, नहीं है कुतुब मीनार है, अच्छा ये चंपानेर नहीं है कुतुब मीनार, चंपानेर में किसने बोला, आईएएस बनने के बाद देखें, वो बात तो बाद ही होता है बस का सवाल ना जाओ, ठीक है जी। ये देखो इसके बाद मस्जिद, देखो मस्जिद एक पूरा अरेबिक टर्म है, शहनाज जी हैं यहाँ पे उनको पता ही होगा। देखो मस्जिद क्या होता है ना, मस्जिद एक अरेबिक वर्ड होता है, अरब का एक वर्ड होता है, बिकॉज जो मुस्लिम जो जो धर्म है ये भी तो आपका इस अरेबियन है, और वहां पे पेनिनसुला में बना था और वहां से आपका पूरी दुनिया में फैला है। तो देखो क्या होता था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पे मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह, अल्लाह को याद करने की जगह, अल्लाह को उसको शुक्रिया करने की जगह एक आपका क्या होता है जिसको हम मस्जिद बोल देते हैं, मस्जिद जिसको मॉस्क बोलते हैं हम इंग्लिश में। अब देखो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क जिसको हम जामा मस्जिद कहते हैं, जो लगभग बाकी जो मस्जिद होते हैं उनसे बड़ी हो, जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद है, मोहब्बत का शरबत, ठीक है जी, मोहब्बत का शरबत के लिए फेमस हो जगह। तो इसके बाद तो यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, और मेनली माना जाता है कि मेल्स ही यहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं, फीमेल्स अंदर नहीं जाती है, राइट। तो इसके बाद जो लीडर होता है, इमाम होता है, जो लर्न मेल होता है, जैसे हिंदू में क्या होता है पंडित होते हैं, और वहां पे क्या होंगे इमाम, सेम इमाम का मतलब जिनको सब शास्त्रों का ज्ञान होता है अपने, और इसी तरीके से जैसे अपना यहाँ पे पंडितों को ज्ञान होता है, तो यहाँ पे ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन, मतलब खुतबा। सरमन से याद करो बुद्ध का पहला सरमन कहाँ दिया था उन्होंने, पहला उन्होंने अपना जो भाषण कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, याद आ गया ना सरमन से। ऐसे ही खुतबा, खुतबा मतलब वो जैसे सुबह शाम वो अजान होती है बोलते हैं, खुतबा बताते हैं अल्लाह के बारे में, दो चार प्रेज के वर्ड बोलते हैं, ठीक है। फ्राइडे प्रेयर जो आपका जुम्मा होता है तो फ्राइडे होता है फ्राइडे। तो इसके बाद आपका इस प्रेयर के दौरान आपको मक्का की तरफ फेस करके बैठना होता है, खासकर इंडिया में, हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है, भारत में डायरेक्शन मक्का की तरफ हमेशा वेस्ट होती है, क्योंकि हमारे वेस्ट में है। देखो यहाँ पे इंडिया का मैप है, ये इधर से हम इंडिया में है, और मक्का कहाँ पे है, यहाँ पे आपका अरेबियन पेनिनसुला में, यहाँ पे तो हमें कहाँ देखना होगा, वेस्ट की तरफ, मतलब जहाँ पे आपका जो है सूरज छिपता है उस तरफ आपको देख के अपनी नमाज करनी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दिस इज कॉल्ड द किबला। अब जो किबला क्या होता है, इंडिया में जो वेस्ट की तरफ हम देख के नमाज करते हैं उसको हम किबला बोलते हैं, किबला,
ये किबला याद रखना, ये भी नोट कर लो, मैंने बोला है सब नोट करना है, सब कुछ नोट कर लेना है, ठीक है। देख लो तो किबला हो गया ये। अब देखो कुछ आपकी जितनी भी नमाज या मीनार या मस्जिद की बात करें तो उनके कुछ एग्जाम्पल है, सबको हंसी आ रही पता नहीं क्यों। पायल पढ़िए ना, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आप नोट कीजिए, मैं बता रही हूँ, नोट किया आपने? बिल्कुल सही कांशु, अलीशा वेरी गुड, है ना। तो इसके बाद हस्बैंड बोलते हैं पूरी दुनिया एक जैसी है, कहीं नहीं जान। अच्छा, अरे ये जो होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं होम सिक, जिनको हम बोल देंगे कैटेगरी होती है शहनाज, जिनको हम बोलते हैं होम सिक। होम सिक मतलब जैसे कुछ स्टेट है, कुछ जगह है इंडिया में ऐसे जहाँ के लोग प्रॉपर होम सिक होते हैं, प्रॉपर इनको पता ही नहीं बाहर की दुनिया में जाना है कि नहीं या घूमना है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल आपको लगा लूँ कि जो देखो पंजाब के लोग, उनको तो इनहेरेंट जाना ही जाना है, बाहर जाना है। आप उधर से देख लो हरियाणा, हरियाणा के लोग प्रॉपर होम सिक होते हैं, उनको पता ही नहीं बाहर की दुनिया क्या होती है, उनको उनके लिए घूमना मतलब घर घर, ठीक है, घर के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं ऑप्शन। तो हरियाणा के लोग कहीं नहीं निकलेंगे, दिल्ली के लोग आप उनको रोक के दिखा दो, दिल्ली में कहीं भी लोग नहीं रुकेंगे, घर में रुकना उनका पेशा ही नहीं है, चाहे घर में खाने के लिए पैसे ना, पर घूमने जरूर जाना है कसौल, ठीक है। तो दिल्ली के लोग ऐसे हैं। यूपी में लोग होम सिक होते हैं आसपास ही, क्योंकि यूपी ही इतना बड़ा है कि अगर उसमें घूमेंगे तो उनका ट्रिप हो जाता है, तो वहां के लोग कहीं नहीं निकलेंगे। तो कुछ जगह की प्रजातियां ऐसी पाई जाती है भारत में जो प्रॉपर होम सिक होंगी। आपकी महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोग लगभग लैंग्वेज की वजह से लगा लो वो नहीं जाते हैं कहीं भी, है ना। यहाँ पे कई एग्जांपल होते हैं, ना जाते हैं ना जा, वही निकिता मैंने बोला ना, हरियाणा प्रॉपर लोग होम सिक होते हैं, उनको पता ही नहीं। मैंने आई हैव लिव्ड मेनी हरियाणा गर्ल्स, उनके साथ रही हूँ, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि बाहर घूमना क्या होता है, उनके लिए जीवन में जो है वो घर है उनका, ठीक है, घर के अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे। इसके अलावा हिंदू ईस्ट में पूजा करते हैं, मुस्लिम वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट और इंडिया। अच्छा थी तो निकिता, नीरज ने बोला हम तो दिल्ली आने की राह देख रहे हैं, कोई आने नहीं दे रहा। अब देखो लड़का होके बोल रहे हैं कि कोई आने नहीं दे रहा, अरे निकल जाओ, निकल के बताओ, मैं तो गया हाथ से, अब मैं नहीं आने वाला निकल जाओ, फिर बोलो, मैं तो जा चुका हूँ, फिर प्रखर को फोन कर दो रास्ते में, अरे प्रखर मैं आ रहा हूँ, अब संभाल लेना, ठीक है, प्रखर सब ठीक कर देंगे। ये देखो, अब देखो यहाँ पे जो जितनी भी यहाँ पे आपकी मस्जिद हो गई, तो मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर आपका सिकंदर लोधी जो जो हुए थे, सिकंदर लोधी जो लोधी डायनेस्टी के, जिन्होंने क्या बनवाया था आगरा, आगरा सिटी जिन्होंने बनवाई थी, ठीक है, तो उनकी आपकी मस्जिद हो जाएगी। दिल्ली की कुछ मस्जिद जो है बहुत फेमस है, इनमें से ये है आ जाएगी कुछ। इसके अलावा आपका जो है जो कम्युनिटी बिलीव मुस्लिम केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड, मतलब जो मस्जिद का कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट्स, मस्जिद का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने भी भाई हैं मुस्लिम भाई, वो सब इकट्ठे हो जाए, वहां पे आपकी बात करें, वहां पे डिस्कस करें, वहां पे एक साथ हो जाए, अल्लाह को याद करें, थैंकफुल हो अल्लाह के लिए, उनको शुक्रिया करें कि आपने हमें खाना दिया, आपने हमें रहने के लिए जगह दी, इन सब चीजों के लिए। तो यहाँ पे देखो हर एक चीज का कॉन्सेप्ट होता है। मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या है? मंदिर का कॉन्सेप्ट है आप स्पेशली जो है ज्यादा रिलीजियस हो वहां पे आपका जो है, साउथ इंडिया में कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वहां पे सभाएं और समितियां होती थी, बट नॉर्थ इंडिया में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि मंदिर में आप जाएंगे और वहां पे जो पूरा मंडली बना के बैठ जाएंगे, नहीं नहीं वहां तो एक एक आओ एक एक जाओ, एक एक आओ एक एक जाओ, इस तरह से होता है नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में, ठीक है। लेकिन अरे अरे आप लोग प्लीज उदास ना हो, जो नहीं जा पा रहे ना बहुत जल्द आप लोग इतना पढ़िए ना, इतना ज्यादा आप लोग सीख लीजिए और इतना ज्यादा आप लोग सिलेक्शन लीजिए कि आप मतलब गवर्नमेंट घुमाएगी भाई आपको, आप किस बात की कमी, गवर्नमेंट आपको अपने खर्चे पे घुमाएगी, ठीक है। निकी जाने देते नहीं कहीं घूमने, डीयू में एडमिशन मिला था आफ्टर 12, वो भी नहीं जा रहा हूँ, हो ये तो बहुत ही खराब हुआ महाराज, जरा सोच लेना आप। अच्छा जी, कोई भी आ सकता है। शालिनी आ गई है, हेलो शालिनी, इतने दिनों बाद कैसे, लाइक कर दीजिए क्लास को, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या करना है, आप लोग यहाँ पे हमने रिलीजन की बात कर ली, अब रिलीजन में एक और बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन खलजी के टाइम पे, तुगलक के टाइम पे कैसा होता था, यहाँ पे जो बेसिकली जो सुल्तान के जो स्लेव होते थे ना, सुल्तान के जो यहाँ पे गवर्नर हो गए, जनरल हो गए, वो सब यहाँ पर आपके जो है सुल्तान की मदद करते थे काम में, ठीक है। काल उनको बंदगन बोला जाता था, उनको बंदगन मतलब जो स्लेव हो गया, बंदी जो हो गया, उनको क्या बोला जाएगा, बंदगन इन पर्शियन। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये सब जो सुल्तान के यहाँ पे काम करते, सुल्तान भी टोटली उन पर डिपेंडेंट हो जाते थे कि उन पे काम करवाने के लिए, स्लेव्स रेदर देन सन्स, सुल्तान वर एडवाइज, जो सुल्तान यहाँ पे एडवाइस देते हैं, जैसे कि कल ही मैं बता रही हूँ, जैसे महाभारत में था, महाभारत की शुरुआत कहाँ से होती है, दुष्यंत शकुंतला थे, देखो दुष्यंत शकुंतला, ठीक है,
ये आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखो, दुष्यंत शकुंतला का बेटा था राजा भरत, जिनके नाम पे बोला जाता है ऐसा कि भरत राजा, भारत का नाम पड़ा राजा भरत। राजा भरत के 9 बेटे, राजा भरत के 9 बेटे, बट उन्होंने किसी बेटे को यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। बोले कि हम उत्तराधिकारी उसको बनाएंगे जो लायक होगा। इंडिया में सबसे पहला माइथोलॉजी में अगर डेमोक्रेसी का आपको कहीं एग्जाम्पल मिलता है ना, तो महाभारत है। तो इन्होंने क्या किया, अपने बेटों को राजा ना बना के उन्होंने शांतनु, शांतनु जो उनके ही राज्य में एक लायक क्षत्रिय था, जो बहुत ही मतलब ब्रेव था लड़का, उसको यहाँ पे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। शांतनु पड़ गया गंगा के प्यार में, गंगा की आंखों ने उसको जो है मोहित कर लिया, तो गंगा के प्यार में पड़ गया। गंगा जो है उसके 9 पुत्रों को, 7 पुत्रों को जो है पानी में, नदी में बहा देती, समथिंग। आप स्टोरी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर जो आखिरी बेटा था उसको इसने बचा लिया कि वो उसका नाम पड़ा भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म। भीष्म का भीष्म नाम क्यों पड़ा, पहले इसको क्या बोले, पहले इसको देवव्रत बोलते थे, भीष्म नाम क्यों पड़ा, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली। तो ये जो ऐसे क्रोनोलॉजी चलती है ना कि आपका बेटे का बेटा क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जो आप किस तरह की आपकी जनरेशन आने वाली हैं, आप किस तरह से आगे जो अपना नाम करने वाले हो। ये हमारा हिंदू माइथोलॉजी, और ये आपके लिए जरूरी है, एथिक्स के लिए बहुत जरूरी है। आपको माइथोलॉजी पता होनी चाहिए, माइथोलॉजी कंप्लीटली पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आप अलीशा जी, मेरा भी सिलेक्शन हो गया था एयर होस्टेस में, नहीं जाओ हो, कोई बात नहीं रोन बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ये माइथोलॉजी जानिए, ठीक है। अब स्लेव्स जो हो गए, स्लेव्स को यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है बेटों के बदले। वही मैंने एग्जांपल बताया ना आपको, इसमें क्या है, स्लेव हुम वन हैज ब्रॉट विद, ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट्स नीड्स एंड होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड वर्दी and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. अगर आपका कोई लायक, कोई आपका काबिल slave है, कोई आपका काबिल दास है, वो कहीं ज्यादा अच्छा है आपके नालायक बेटे से, ठीक है, आपका नालायक बेटे से कहीं ज्यादा अच्छा है। तो आपको अगर अपना राज्य आगे बढ़ाना है, या आपको तो अपने राज्य में कुछ बढ़िया चीजें करनी है, तो वो एक स्लेव कहीं ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्लाइंट क्या हो गया, क्लाइंट हो गया आपका समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, अ डिपेंडेंट और अ हैंगर ऑन। जैसे कि आप किसके क्लाइंट हैं, आप गवर्नमेंट के क्लाइंट हैं, जैसे आप उनके डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स के क्लाइंट हैं, ठीक है, तो आप उन पर डिपेंडेंट हैं, राइट। तो खलजी और तुगलक जो डायनेस्टी हुई, उन्होंने बंदगन को इस्तेमाल किया, बंदगन मतलब अपने स्लेव्स को ज्यादा इस्तेमाल किया। जैसे अलाउद्दीन खलजी का स्लेव कौन था, कौन था, अरे वो जो मिस्र से लेके आए थे, कौन था, देखा है आपने मूवी में भी देखा है, बताइए उनके स्लेव का नाम क्या था, प्रखर जल्दी बताओ, ये टेस्ट है आपका, थोड़ा थोड़ा मैं टेस्ट करती रहती हूँ बीच बीच में, बताइए क्या नाम था उनका, जो अलाउद्दीन खलजी के स्लेव थे, फेवरेट स्लेव बोला जाता है जिसको, जो इजिप्ट से खरीद के लाए थे, कौन थे वो। इसके बाद तुगलक, उन्होंने आपका बंदगन का इस्तेमाल करना यहाँ पे कंटिन्यू रखा। हम्बल पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, मतलब अच्छी जगह अच्छे घर में पैदा हुए हूँ, ठीक है। और भारत जी ने इन्हीं राजा के बेटे राजा वाले रूल अपना नहीं किया, ठीक है। देखो इसके बाद यहाँ पर देवर अपॉइंटेड जनरल एंड गवर्नर, उनको जनरल या गवर्नर बना दिया गया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक बना था आपका मोहम्मद गोरी का गवर्नर, और वो था उसका स्लेव। वहीं से ही भारत में शुरुआत हुई स्लेव गुलाम वंश की, ठीक है, वहीं से गुलाम वंश की स्थापना हुई, समझ आ गया ना शहनाज जी। तो क्लासेस में सुबह 9 बजे आप जरूर आइए, बहुत आपको सीखने को मिलेगा, एंजॉय भी करेंगे साथ के साथ, हम बहुत सारा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं अपनी क्लासेस को, ठीक है। स्लेव्स और क्लाइंट में यहाँ पर जो है, जो भी लॉयल रहेगा अपने मास्टर्स के लिए, हाँ मलिक कफूर, गुलाम कफूर नहीं, मलिक कफूर, ठीक है। इसके बाद एंड पैट्रॉन्स, तो पैट्रॉन्स मतलब यहाँ पर आपका जो स्लेव्स होंगे, जो दास होंगे, अपने मालिक के लिए जितना ज्यादा लॉयल रहेंगे ना, राजा उनको उतना ज्यादा जमीन दे देगा, उनको अपना गवर्नर बना देगा और बड़ी पोस्ट दे देगा, यही होता था इनका पूरा लाइफ, ठीक है। नए सुल्तान जो होते थे वो अपने ही अलग अलग सर्वेंट्स रखते थे। एसेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी, द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मेनी एलीट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तारीख, तारीख मतलब बहुत सारी तारीखें, एक तारीख होता है जो एक डेट होती है, तारीख मतलब बहुत सारी डेट्स, पहले ही इस चैप्टर में बताया गया है, याद रखना उसको, ठीक है। और इसके बाद जो दिल्ली सुल्तान होती है वो अपॉइंट करता है लॉ एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेस, मतलब आप यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप यहाँ राजा के बेटे हो, आप गवर्नर हैं और गुलाम है तो भी आप अच्छा काम कर सकते हैं,
ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, कौन कौन से ऑफिशियल नाम इनमें दिया गया है, जियाउद्दीन बरनी जो राइटर थे फेमस, ठीक है, लोधा, पीरा, मनखा, तबलक, ये कुक जो गार्डनर थे, ये इनके क्या थे, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अपॉइंटेड अजीज खुमार, अ वाइन डिस्टिलर, इस तरीके से यहाँ पर जो है वो, व्हाई डू यू थिंक बर्नी क्रिटिसाइज द सुल्तान, बर्नी ने यहाँ पर सुल्तान को क्रिटिसाइज क्यों किया है, जियाउद्दीन बर्नी ने, अमिड्स 14th सेंचुरी रिपोर्टेड दियर अपॉइंटमेंट्स एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल, मतलब यहाँ पे जो राजा होता था ना सुल्तान, उन्होंने क्यों इसको क्रिटिसाइज किया है लेखक ने, कि देखो यहाँ पे राजा जिसको मन किया उसको जो पोस्ट दे रहा वो दे दिया, अपनी मनचाही मनमानी करता था, किसी की बात सुनता नहीं था, इसलिए उसने उसको क्रिटिसाइज किया है। याद आया ना, दिल्ली से रातों रात देवगिरी कर दी, देवगिरी तो कर दिया उस, चलो बात ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक ने क्या किया, रात को अपने किले की छत पर खड़े हो गए कि मैं देखूंगा कि कहीं कोई धुआं तो नहीं उठ रहा, कहीं कोई आग तो नहीं जल रही, कहीं कोई अगर भाई बचा है शहर में जिसने शिफ्ट नहीं किया, कोई लंगड़ा लूला कुछ तो बचा होगा, तो उसको मरवा देते थे, उसको जबरदस्ती भेजते थे वहां, पैदल पैदल, सोचो दिल्ली से महाराष्ट्र पैदल, समझ आ रहा है, आधे तो रास्ते में ही खत्म हो गए, मर गए, कितना चलेंगे, इतना तो नहीं कोई चल पाता है ना। तो यहाँ पर ये तुगल की फरमान इसको बोला गया, इसलिए इसलिए उनको बोला गया कि वो खराब राजा थे या अच्छे से रूल नहीं कर पाए पढ़े लिखे होने के बावजूद भी। इसमें फिर से एक और जो टर्म आपकी आती है, सुल्तान खलजी और तुगलक ने क्या किया, मोनार्क, मोनार्क मतलब आपकी ही फैमिली में फिर आगे और बढ़ते जाएंगे, आपकी हेरिडिटी चलती जाएगी, इस तरीके से गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरियंग साइजेस, उन्होंने दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, अब इक्ता जो आपकी लैंड आ गई, दियर होल्डर्स वर कॉल्ड इक्तेदार, जिनको इक्तेदार जो बनाया गया उनके गवर्नर्स को, उनको इक्तेदार बोला गया, फिर जो है उनकी मुक्ति, मुक्ति क्या हो गई, ड्यूटी जो इन पे दी जाती थी टू वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स, और जो आपकी, ध्यान रखना है मैं सब नोट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मिलिट्री से फिर मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू एंड देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी, मतलब जमीन पे इनको जो असाइनमेंट, जो सैलरी, जो जितना कमाएंगे रेवेन्यू, उस हिसाब से इनको सैलरी दी जाती थी। अब यहाँ पर कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज नॉट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइन इक्तास, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द शिफ्टेड, मतलब अगर बहुत कम टाइम पीरियड के लिए उनको इक्ता दिया जाए, मतलब आप ये जमीन लो, ये संभाल लो, और जमीन से फिर इतने कम टाइम में क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे उनको कई बार नुकसान हो जाता था, ठीक है। अब देखो, एज अ दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड, फिर से वही हिंटरलैंड, ठीक है, हिंटरलैंड क्या बताया मैंने, गोदाम, ठीक है, याद आया, गोदाम। डिटेक्टिव विशाल जी नमस्कार, साम्राज्य, गुड मॉर्निंग दीपिका, इतना लेट क्यों आ रहे हैं, इतना लेट क्यों, क्या बात है, लाइक कर दीजिए क्लास को, वर्तमान समय में भी यही हो रहा है, राजा की तारीफ करो और बिना योग्यता के मंत्री बन जाओ, ऐसे ही होता है एक्चुअली, राजा बहुत ज्यादा वो हो जाता है, सो क्या बोले, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, कि जिसको मतलब अपना बड़ाई करो तो उसको अच्छा लगता है सुनना, यू आर द महाराजा धीराज, यू आर द वन एंड ओनली चक्रवर्ती राजा सम्राट समथिंग समथिंग, तो राजा को अपने बारे में हमेशा से ही सदा सदा से ही, ह्यूमन नेचर है ये, राइट, आपकी तारीफ कोई करे तो आपको अच्छा लगता है सुनना, तो आप और सुनना चाहते हैं, आप और सुनना चाहते हैं, यही होता है कि आप जो हमेशा से चला यही आ रहा है कि आपकी जो तारीफ करेगा उसी को आप अच्छा पद देंगे, ठीक है, इसीलिए हमारे जितने भी राइटर जो लिख के चले गए राजाओं के बारे में, उनके पूरा यकीन नहीं किया जा सकता उनके, कि राजा के बारे में जितना हो जाए, क्योंकि उन्होंने अच्छा ही अच्छा लिखा है राजा के बारे में, खराब तो कुछ लिखा ही नहीं, तो हम कैसे बिलीव करें कि वो सच होगा, जरूरी तो नहीं, क्या पता उसने राजा को खुश करने के लिए लिख दिया हो, है ना, इस तरीके से आपका यहाँ पर। मैम मैं लाइव नहीं देख पाती, सो कोशिश कीजिए दीपिका, ठीक है, लाइव आप देखिए। अब देखो सामंत, सामंत मैंने बताया था, सामंत वो आपके जनरल मिलिट्री वाले हो जाएंगे जो धीरे 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 आपका उनका लगभग पूरा कंट्रोल मिलिट्री का उनके हाथ में होता है, और कई बार तो राजा को भी ओवर पावर कर देते थे, राजा हट गया और कई बार सामंत ने ही उनको जो है अगला राजा बन गया, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे, याद है ना, साउथ का। देन उसके बाद आपका यहाँ पर जो है फोर्स टू पे टैक्सेस, यहाँ पे द राइट्स ऑफ द लोकल चीफटाइंस टू लिव टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस, ठीक है, तो मतलब अंडर अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अब राजा ने किसी गवर्नर के हाथ में अपना जो है रेवेन्यू सिस्टम ना दे के अलाउद्दीन खलजी ने पहली बार ऐसे किया कि मैं अपने हाथ में लूंगा, मैं किसी को और ये कंट्रोल नहीं दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे इसके बाद आपका हो गया ये और खराज। देखो देर वर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस, इंपॉर्टेंट है लिख लो भाई, सब पेन पेपर निकालो लिखो, इसको जरूर लिखो। तीन तरह के टैक्स होते थे, कौन कौन से? कल्टीवेशन पर खराज बोला जाता था, अमाउंटिंग खराज, ये देखो खराज बोला जाएगा, अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, आधा हिस्सा देना होगा ऑन कैटल एंड ऑन हाउसेस, घर पे भी देना होगा, आपके पास कैटल है कोई जानवर है उस पे भी देना होगा। इस तरह से आपके टैक्सेस यहाँ पे बढ़ेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द लार्ज पार्ट ऑफ दिल्ली सिटी, ठीक है, ये आपका सुल्तान के अंडर आता था, ठीक है। अब ये डिफिकल्ट हो जाएगा कंट्रोल करना, इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर, कभी बंगाल जाना है, कभी डेक्कन जाना है, कभी आपका साउथ में जाना है, तो तब तक तो आपको कोई हरा देगा, हटा देगा वहां से, है ना, तब तक दिल्ली तो कोई और ले जाएगा। द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है, दिल्ली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, इवन द गैंगेटिक प्लेन वर फर्स्ट फॉरेस्टेड एरिया, पहले ये फॉरेस्ट का एरिया होता था ज्यादातर गैंगेटिक प्लेन जो था, उसके बाद ये क्या हुआ, उसके बाद ये हो गया सल्तनत, आने के बाद ये क्या हो गया, फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, लोकल चीफटाइन एस्टैब्लिश देयर रूल इन द रीजन, एंड उसके बाद क्या हो गया, रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन द एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। देखो तुगलक और इसके टाइम पे ना, खिलजी के समय पे सबसे ज्यादा हिस्सा भारत के सब कॉन्टिनेंट का इन दिल्ली सल्तनत के अंडर आया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है चीफ टाइन्स और फोर्टिफिकेशन, मतलब आपका कौन कौन से लोकल रूलर्स हो जाएंगे, उन्होंने क्या क्या फोर्टिफिकेशन किया, ये देख लेना। फिर जो मंगोल है, देखो मंगोल आ नहीं पाए भारत में, आना चाहता था चंगेज खान का, बड़ा मन था कि एक बार भारत घूम के जाऊं, भारत भ्रमण करूं नीरज जी की तरह, फिर उसको क्या किया इल्तुतमिश ने, वही रोक दिया कि आपका अंदर आने की कोई जरूरत नहीं, हम है संभालने के लिए, तो उन्होंने चंगेज खान को आने नहीं दिया। अदरवाइज हमारे शायद दिल्ली सल्तनत के बाद एक चंगेज खान भी जो जो मंगोलिया भी यहाँ पे रूल करता, तो मंगोलिया देखा है ना, छोटा सा कंट्री, खाने के लिए नहीं है उसके पास, बट वो रूल करता, सोचो हमारी मतलब क्या बात हो जाती। फिर इन्वेडेड ट्रांस ऑक्सियाना इन द नॉर्थ ईस्ट ईरान, ईरान में ये जगह वहां पे बोलते थे 1219 में, और दिल्ली की तरफ भी ये आया, मंगोल अटैक दिल्ली सल्तनत, रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल, दिस वॉज द टू रूलर्स द टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विद पोस्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, Let us deal with this. मतलब दो सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बितुगल। अब आई है पते की बात, मेन बात जो आई है, अब ये पैरा अच्छे से पढ़ना। दिल्ली पर देखो सबसे पहले अटैक किया गया दो बार इन 1299 1300 और 1303 एज अ डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, मतलब जिसके पास आप इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा स्टैंडिंग आर्मी, जैसे आपका कैवलरी भी होगा, आपका यहाँ पर जो है हाथी भी होंगे, आपके जो जो पैदल सैनिक है वो भी होंगे, इनको यहाँ पे इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे यह अटैक किया। सल्तनत वॉज अटैक्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक, मंगोल आर्मी इसको इन्होंने डिफीट किया। अब मोहम्मद बिन तुगलक बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब जो है उसकी आर्मी बहुत बहुत पावरफुल हो गई, अब इसमें दिल्ली पे कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इसने और इसने सेम काम किया, आर्मी को बढ़ा रखा। राजा जितना पावरफुल है ना, इसकी बात पता चलती है कि उसकी आर्मी कितनी पावरफुल है। आर्मी में बड़ा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्मी को बड़ा करने के लिए देना पड़ेगा सैलरीज, सैनिकों को सैलरी देनी पड़ेगी, उनको सैलरी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स लेना पड़ेगा, टैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पीजेंट्स को खुश रखना पड़ेगा, पीजेंट से ज्यादा टैक्स दो, 50% बताया ना, 50% टैक्स वहां से लेते थे, अगर वहां पे 50% टैक्स लेंगे तो पीजेंट्स के पास क्या बचेगा, पीजेंट्स को अगर वहां पे 50% टैक्स लेने लायक अच्छा खासा अनाज हो, उसके लिए आपको एग्रीकल्चर इरिगेशन अच्छा करना होगा, तो एक तरह से ये पूरा विशेष साइकिल है, समझ आ रहा है, ये पूरा विशेष साइकिल है। अगर कोई राजा यहाँ पे कितना पावरफुल है वो जानने के लिए क्या करना होगा, हमें हर स्फेयर को, हर एरिना को अच्छा करना होगा, राजा को, नॉट ओनली आर्मी, आर्मी भी तो वहीं से आएगा ना, समझ आ रहा है, जनता को खुश रखना पड़ेगा राजा को। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान काल में आया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर आज हम, अगर चंगेज खान भारत पर आगे तो आज इतिहास कुछ और ही होगा। गुड मॉर्निंग अमर जी, हर रोज की तरह आप आज भी पहले आए हैं, ठीक है, धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम बाकी चैप्टर करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कल डिस्कस करते हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे, ठीक है। ये देखिए फिर इसके बाद फोर्थ चैप्टर हम करेंगे, ओके, आप इससे पहले पूरा चैप्टर फिर से पढ़ेंगे और फिर आप आएंगे क्लास में, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।